आज मैं आपको एक अनोखे जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ की मिट्टी है चंदन के समान। कहा जाता है कि नटवर नगर में गोपियाँ कृष्ण के लिए दीवानी थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियों ने इस तालाब में अपने जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। कान्हा की नगरी द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये गोपी तालाब है जिसे तीर्थ स्थान कहा जाता है। तब कृष्ण ने इस तालाब को वरदान दिया कि इसकी यहाँ की मिट्टी चंदन के समान हो जाएगी, इसलिए इस मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। मैं भी कान्हा की दीवानी हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आसपास के दुकानों में इस तालाब की मिट्टी मिल जाएगी। मुझे अंदर से लगा कि द्वारकाधीश को मिलने से पहले मैं गोपियों को मिल लूँ। इस तालाब के किनारे कई मंदिर बने हुए हैं, उसमें से एक मंदिर में आपको लड्डू गोपाल और रुक्मिणी माता का दर्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको राम सेतु का पत्थर भी देखने मिल जाएगा। ये तालाब द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इस जगह की और एक कहानी है। भगवान कृष्ण 16,108 गोपियों को मथुरा से बेट द्वारका लेके आए थे। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अर्जुन को दी थी। अर्जुन को अपनी धनुर्धारी विद्या पर अभिमान था। तब भगवान ने दोनों हाथों के मल के द्वारा भील लोगों को उत्पन्न किया। उन्होंने गोपियों को लूट लिया और शर्म के मारे गोपियों ने जल समाधि ली। इस वक्त अर्जुन की धनुर्विद्या काम न आ सकी। कहा जाता है कि भील लोगों ने उनका बांध भी तोड़ दिया। यहाँ के लोगों से ये कथाएं सुन के गन्ने का जूस पीने के लिए बैठ गए। कुछ वक्त हमने गन्ने के दुकानदार से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये गन्ना नासिक से आता है, वहाँ पे हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाए क्योंकि हमारी ऑटो आधे घंटे से खड़ी थी। हमने यादगार के तौर पर यहाँ पे फोटो लिए और सीधा द्वारकाधीश मंदिर की ओर बढ़ गए। हमारे हर वीडियो को आप देख पाओ इसलिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। मिलते हैं राधे राधे।